commission. Khamoshi, khamoshi, khamoshi. Acha, Bismillah Rahman Rahim, Meena Khan. सबसे पहले तो मैं जो आपने अपने यूथ की तैयारी करवाई है कल के लिए, मैं ये उम्मीद रखता हूं कि हमारे यूथ को पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, क्योंकि कल जो हमारी अटैक फोर्स यानी रास्ते में जो रुकावटें होंगी, वो आप सबकी जिम्मेदारी होगी वो रुकावटें हटाने के लिए। अब कल थोड़ी खामोशी खामोशी, जो आपने चीज समझनी है कि हमने 26 साल हमेशा हमारे सारे एहतजाज पुरअमन हुए हैं, हमने हमेशा आईन और कानून के बीच में जितने भी अपने एहतजाज किए आईन और कानून के बीच में किए, हमने कभी ना किसी को अपनी पुलिस को ना कभी अपनी आवाम को किसी किस्म का नुकसान कभी हमने नहीं पहुंचाया। लेकिन ये जो इंपोर्टेड हुकूमत, अमेरिकनों के जो गुलाम, पाकिस्तान के बड़े बड़े मुजरिम जिनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, कल रात से इन्होंने पंजाब में और सिंध में पूरा क्रैकडाउन किया है, हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाला है, घर में ख्वातीन को इन्होंने चादर और चार दीवारी को मुस्तरद करके जो हमारी रवायतें हैं इन्होंने घरों में घुस के हरासा किया, इन्होंने जस्टिस नासरा इकबाल जो के इलामा इकबाल की के बेटे की बीवी जो बेवा हैं उनके घर में घुस के पुलिस ने रात को जो हरकतें की उनकी वीडियो चल रही है अभी जस्टिस नासरा इकबाल की, एक आर्मी मेजर रिटायर्ड उसकी बीवी और बच्ची की 10 साल बच्ची की वीडियो चल रही है, जिस तरह के कोई मुजरिम है इस कौम के, जिस तरह के हम कोई गद्दारी कर रहे हैं कौम से, इस तरह की इनकी इन्होंने क्रैकडाउन किया कल। बात नहीं कर, मैं 3.5 साल में हमारे हर दूसरे दिन मौलवी फजल रहमान निकलाता था धरना करने के लिए, बिलावल बिलावल एक बस आजादी इंशाल्लाह। सुने इन्होंने अपने दौर में हमारे 3.5 साल में फजल रहमान की लॉन्ग मार्च और धरने के अलावा वो बिलावल भी एक कैंपेन टांगने वाली लेके आया था इस्लामाबाद, उसके बाद
मरियम ने भी कोई लॉन्ग मार्च की थी जिसका पता ही नहीं चला कि वो किधर से शुरू हुई किधर खत्म हुई। लेकिन जितने भी इन्होंने हमारे खिलाफ एहतजाज किए, ना कभी हमने कोई हरासा किया, ना लोगों को पकड़ा, खुली इजाजत दी इनको। हमने कहा इनका जमहूरी हक है। और हम जब एक एहतजाज कर रहे हैं इस्लामाबाद में और एहतजाज कर रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी एक इलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई, अमेरिका में बैठ के साजिश की, वो लंदन में बैठा हुआ नवाज शरीफ उसने साजिश की, यहां मीर जाफर और मीर सादिक बैठे हुए थे, उन्होंने साजिश करके हुकूमत गिराई और वो मुजरिमों को हमारी मुल्क की क़यादत में बैठाया जिधर 60% कैबिनेट जमानत पे है, उसके ऊपर एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं हम और उसके खिलाफ इन्होंने क्रैकडाउन किया। ये आज मैं पाकिस्तान की अदलिया को कहता हूं कि आपका भी इम्तिहान है। पाकिस्तान की पुलिस जिस तरह की आपने हरकतें की, ये आपका इम्तिहान है कि कौन से आप में से कानून पे चलते हैं और कौन सी पुलिस गैर कानूनी इन करप्ट लोगों के ऑर्डर्स पे गैर कानूनी चीजें कर रही। ब्यूरोक्रेसी का इम्तिहान है और हमारे न्यूट्रल्स का इम्तिहान है कि वो किधर खड़े हैं, चोरों के साथ खड़े हैं, अमेरिकनों के नौकरों के साथ खड़े हैं या इस पाकिस्तान की हकीकी आजादी के साथ खड़े हैं। सबका इम्तिहान है। कल इंशाल्लाह मैं आपको लीड करके लेके जाऊंगा इस्लामाबाद। मेरा इंशाल्लाह बस इंशाल्लाह बस पाकिस्तान की तारीख का इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा मैं जुलूस लेके पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद निकलूंगा कल। सामने मेरे नौजवान यूथ मेरे सामने होगी, सारी रुकावटें हटाएंगे और मैं फिर से कहता हूं 3.5 साल में हमने कभी कोई रुकावट किसी किस्म की पकड़ दकड़, हमने इनके जितने लॉन्ग मार्च जितने एहतजाज हमने पूरी इजाजत दी इनको। और ये जो हमारे खिलाफ ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, मैं आज फिर से कहता हूं सारी अदलिया का ब्यूरोक्रेसी का पुलिस का न्यूट्रल्स का सबका इम्तिहान है। और जो भी इस अवाम के समुंदर को रोकने की कोशिश करेगा इंशाल्लाह वो बह जाएगा। कौम बेदार है, कौम समझ गई है, कौम को पता है साजिश का पता है, कौम आजाद है, कौम इन चोरों की गुलामी कभी कबूल नहीं करेगी, कौम एक इंपोर्टेड हुकूमत को कभी मंजूर नहीं करेगी। और इंशाल्लाह आप जब मेरे साथ निकलेंगे, आपने इसको सियासत नहीं समझना, ये सियासत नहीं है, ये जहाद है, ये मुल्क की आजादी की जंग है। और सारे पाकिस्तान में
सारे पाकिस्तान के शहरों में मैं आज सारे पाकिस्तान के शहरों के लोगों को कह रहा हूं कि आपने निकलना है कल, सबने निकलना है इस आजादी की तहरीक में। बैठो बैठो, मीना खान आपको और जितनी भी हमारी पाकिस्तान की यूथ है आपने सबको आज इंस्ट्रक्शंस भेज रहे हैं कि जो मर्जी ये इंटरनेट बंद करें, ये मोबाइल फोन की कवरेज बंद करें, सबकी आपने तैयारी करनी है, हर चीज की आपकी तैयारी हो। जब तक ये हमारी अब तहरीक कल शुरू हो रही है तब तक चलेगी जब तक इलेक्शन की डेट नहीं मिलती और ये असेंबली जाती नहीं है और ये इंपोर्टेड हुकूमत खत्म नहीं होती, इंशाल्लाह तब तक चलेगी। इंशाल्लाह सब तैयार हो कल के लिए, इंशाल्लाह।